सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते दीदी, सभी साथियों को नमस्ते। हम लोग पिछले कुछ दिनों से, आज देखें तो 20वां दिन है, हम लोगों ने सुख स्वभाव है या प्रभाव, वहां से चर्चा शुरू किया और आगे बढ़े। तो हम लोगों ने इसको भी समझने का काम किया कि मानव सेल्फ और बॉडी दोनों का को एक्सिस्टेंस है, जिसमें सेल्फ को कॉन्शियसनेस के रूप में पहचाने और उसी कॉन्शियसनेस यूनिट को और डिटेल में समझने का काम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। उसका पहला स्टेप तो ये था कि हम ये जो बाहर बहुत सारी गतिविधि होते हुए देख रहे हैं, गाड़ी चल रही है, उसकी आवाज आ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बाहर बहुत सारी गतिविधि है। बॉडी में देखें तो बॉडी भी मेरे लिए बाहर ही है, लेकिन बॉडी में भी बहुत सारी गतिविधि है। मेरी सांस चल रही है और ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और भी कभी इचिंग हो रहा है, कभी किसी तरह का दबाव बन रहा है। तो बॉडी में भी बहुत तरह की एक्टिविटी है। ध्यान देता हूँ जब मैं कभी आराम से अपने साथ आधा घंटा एक घंटा बैठता हूँ, तो देखता हूँ कि बाहर की एक्टिविटी तो है ही, शरीर में एक्टिविटी तो हो ही रही है, लेकिन मेरे में भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। विचार चल रहा है, आज के प्लान के बारे सोच रहा हूँ, कल जो किया था उसके बारे सोच रहा हूँ, पास्ट के बारे सोच रहा हूँ, फ्यूचर के बारे सोच रहा हूँ, और बहुत पुराने पुराने चीजें मेरे भीतर लौट लौट के आ रही हैं। भविष्य में क्या करना है वो लौट लौट के आ रही हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज मेरे भीतर चल रही हैं। उन एक्टिविटीज का देखें तो उनको देखने के लिए मुझे अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं आंख बंद करके, कान बंद करके, सारे सेंसरी ऑर्गन्स का बिना प्रयोग किए भी उन एक्टिविटीज को देख पाता। वो भी एक रियल एक्टिविटी है, उसको मैं अपने भीतर देखता। धीरे धीरे देखता हूँ तो मैं जो भी बिहेवियर वर्क बाहर कर रहा हूँ, वो एक्टिविटी जो मेरे भीतर कल्पनाशीलता के रूप में चल रही है, वही उसका आधार है। उसमें से कुछ हिस्सा मेरे व्यवहार कार्य में बाहर निकलता है, बाकी तो वही कल्पनाशीलता में चलता रहता है। ये तीन जगह से, तीन सोर्सेस से मेरी कल्पनाशीलता में जो चीजें तय हो रही हैं, उसके तीन सोर्सेस हैं। एक तो संवेदना, दूसरा मान्यता और तीसरा सहज। तो तीन जगहों से मैं अपने भीतर इस कल्पनाशीलता को चलाने का तय करता हूँ। तो उसको भी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से देखने का प्रयास किया। उसके बाद ये भी देखने का प्रयास किया कि जब भी कल्पनाशीलता में नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, सहज स्वीकृति के आधार पर तय होती है, तो मैं हारमोनी में रहता हूँ या डिसहारमोनी में। जब भी मान्यता या संवेदना से चलती है, तब मैं हारमोनी में रहता हूँ या डिसहारमोनी। ये सारी बातें हम लोगों ने किया। साथ ही साथ कल हम लोगों ने जो कल्पनाशीलता की और जो सब एक्टिविटीज हैं उसको भी डिटेल में समझा। पहले हम लोगों ने इच्छा विचार आशा को समझा। मैं कुछ हो जाऊं, वो इच्छा है, वो कैसे होऊंगा ये विचार है, वैसा होने में कुछ सहयोग मिल जाए ये आशा है। फिर इस कल्पनाशीलता को और बारीक एक्टिविटीज के रूप में भी समझा हम लोगों ने कि चयन और आस्वादन एक क्रिया है, तुलन विश्लेषण एक क्रिया है, चित्रण एक क्रिया है। तो चयन आस्वादन को देखने गए तो आस्वादन हमारे भीतर कोई ना कोई बना रहता है, उसको पूरा करने के लिए हम बाहर किसी चीज को, है ना, हम किसी न किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं। तो आस्वादन हम में बना रहता है, उसके लिए हम बाहर चीजों को सेलेक्ट करने के लिए अपने भीतर कोई निर्णय बना रहे हैं। ये जो निर्णय बना रहे हैं कि ये लेना है, वो सिलेक्शन। फिर उसी के आधार पर हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ब्रेन से बॉडी को इंस्ट्रक्शन जाता है और वो पर्टिकुलर चीज को हम यूज करते हैं। तो सिलेक्शन और टेस्टिंग अपने भीतर देख सकते हैं। टेस्टिंग हमारे भीतर बना ही रहता है, उसके आधार पर हम चयन आस्वादन करते हैं। ऐसे ही तुलन की कुछ दृष्टियां हैं हमारे भीतर, प्रिय हित लाभ कल बात किए थे। तीन तो हम अपने भीतर अभी देख पाते हैं, तीन दृष्टियां और है जिसको आगे और देखने की कोशिश करेंगे, न्याय धर्म सत्य। ये दृष्टियां हमारे भीतर बनी रहती हैं, उसके आधार पर हम बाहर विकल्प जनरेट करते रहते हैं। अगर लाभ की दृष्टि काम कर रही है तो ऐसे लाभ अधिक होगा या ऐसे लाभ अधिक होगा या ऐसे लाभ अधिक होगा। प्रिय की दृष्टि काम कर रही है तो ये वाली प्रिय चीज इस प्रकार से मिल सकती है, किस प्रकार से मिल सकती है, किस प्रकार से मिल सकती है। तो बहुत सारा विश्लेषण करके विकल्प जनरेट करते रहते हैं, लेकिन बेस में हमारी कोई दृष्टि बनी रहती है, प्रिय लाभ की, न्याय धर्म सत्य की। तो जो दृष्टि बनी हुई हमारे भीतर जो जगह है उसको तुलन कह रहे हैं, और उसके आधार पर जो बाहर हम व्यक्त होने के लिए विकल्प जनरेट कर रहे हैं वो विश्लेषण है। और ये सारे चयन आस्वादन तुलन विश्लेषण को देखे तो हमारे भीतर कुछ इमेजिन की क्रिया चल रही है,
उसके अर्थ में चल रहा होता है। ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करके मेरे में सम्मान का भाव आ जाएगा, ऐसा करके मैं विश्वास से युक्त हो जाऊंगा, ऐसा करके मेरे में स्नेह आ जाएगा या मेरे लिए स्नेह हो जाएगा। तो सब कुछ ना कुछ मेरे भीतर इमेजिन की क्रिया रहती है जिसको पूरा करने के लिए सारा तुलन विश्लेषण चयन आस्वादन में कर रहा होता। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किया है। इसमें एक बात और देखें तो ये जो आस्वादन मेरे भीतर बना ही रहता है, तुलन की दृष्टि मेरे भीतर बनी रहती है, इस तरह की क्रियाओं को कहा ना स्थिति क्रिया, जो मेरे में बनी रहती है। और ये जो मेरे में बनी रहती है स्थिति क्रिया, उसके आधार पर जो बाहर अभिव्यक्त होने के लिए मैं विकल्प जनरेट कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ, चित्रण कर रहा हूँ, ये सब गति क्रिया है जो स्थिति क्रिया को बेस में है उसके, और उसके लिए मैं बाहर कुछ अभिव्यक्त होने के लिए निर्णय कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो गति क्रिया है। तो इतनी बात कल तक हुई थी, उसको ऑब्जर्व करने का काम हम लोग अपने ऊपर कर ही रहे थे, कल्पनाशीलता को देखने का, कल्पनाशीलता कैसे चल रही है उसको देखने का, मान्यता संवेदना या सहज स्वीकृति से आ रही है उसको देखने का, उसमें चित्रण विश्लेषण तुलन और चयन आस्वादन को देखने का, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने का प्रयास हम लोग पिछले कुछ दिनों से कर ही रहे हैं। इस पर जो भी आप लोगों के ऑब्जर्वेशन हैं या क्वेश्चंस हैं उसको अब हम लोग एक एक करके ले सकते हैं। जी जी भैया, मैं इसको मेरा एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि जब मैं इच्छा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इच्छा तो एक ही है, निरंतर सुखी होने की। पर मेरा जब आराम में होना या थक जाना, वो विचार पर ज्यादा ऐसे दिखाई देते हैं कि जब उस इच्छा को मैं समझ से पूरा करती हूँ तो विचार फिर हार्मनी में होते हैं, तो आराम में बनी रहती हूँ। पर उसी इच्छा को बाहर से पूरा करती हूँ तो विचार जो हैं वो फिर अलाइंड नहीं होते, तो मैं थकती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आराम में होना और परेशान होना ज्यादा विचारों पर ही लग रहा है, कि इच्छा तो मुझे एक ही लगती है कि सुखी होने की। ऐसा अपने लिए मुझे ऐसे लगता है भैया। इसमें तीन बातें हैं दीदी। पहली बात तो ये है कि मूल इच्छा तो निरंतर सुखी होकर जीना ही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस मूल इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी सब इच्छाएं बना रखी हैं। तो जैसे मुझमें समृद्धि का भाव आ जाए, मेरे शरीर का पोषण हो सके, मेरे में सम्मान का भाव हो जाए, मैं विश्वास के भाव से युक्त हो जाऊं, इस तरह की बहुत सारी सब इच्छाएं उस मूल इच्छा को पूरा करने के लिए बना रखे हैं। तो वो भी उसमें आएगा चित्रण में, एक तरह से देखेंगे तो। फिर उसके लिए हम विश्लेषण तुलन कर रहे हैं जिसको विचार कह रहे हैं, फिर उसके लिए चयन आस्वादन कह रहे हैं जो उसकी आशा कह रहे हैं। तो इनिशियली तो बहुत आसानी से दिखता है कि हमारे भीतर विचारों की श्रृंखला चल रही है। कई बार वो जो विचार चल रहे हैं वो ऐसे भाव को, ऐसे इच्छा को पूरा करने के लिए चल रहे हैं जो मुझे सहज स्वीकार नहीं है, तो उसके कारण भी मैं दुखी होती हूँ, बेचैन होती हूँ। दूसरी बात यह है कि कई बार कई इच्छाएं चल रही होती हैं, एक एक दो तीन इस तरह की कई इच्छाएं, और पहली इच्छा दूसरी इच्छा के विरोध में चल रही होती है। तो जब इस इच्छा को पूरा करने का विचार कर रहा होता हूँ तब एक तरह की स्थिति बनती है, फिर दूसरे को पूरा करने का विचार कर रहा होता हूँ दोनों की दूसरी और दूसरी स्थिति बनती है, और दोनों अपोजिट बनती है ना। तो ये जो दोनों अपोजिट बन रहा है उससे एक कंट्राडिक्शन अपने भीतर खड़ा होता है, उससे भी मैं दुखी और बेचैन होता हूँ। और देखो तो मैंने कुछ आस्वादन बना रखे हैं, उसके आधार पर चयन कर रहा हूँ, होना मैं निरंतर सुखी चाह रहा हूँ और आस्वादन कर रहा हूँ ऐसे चीजों का जिसमें कि है ना संवेदना है ना, इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें एक गैप दिखता है कि ये तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर तक रसगुल्ले खाए उसके बाद रसगुल्ला तो कटोरा भर के सामने रखा है लेकिन उसमें सुख नहीं मिल रहा, मैं भी वही हूँ, रसगुल्ला भी वही है, टेम्परेचर एसी वाला कमरा भी है, पहले उसी रसगुल्ले से सुख मिल रहा था अब उस आस्वादन से सुख नहीं मिलता, तो कहते हैं आप बोर होने लगे, तो वहां से भी एक तरह की बेचैनी शुरू होती है। तो इसको अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, बट इन सबको मूल में कहे तो ये जो पूरी कल्पनाशीलता में चला रहा हूँ बी टू ब्लॉक, वो तो इसीलिए चला रहा हूँ कि मैं निरंतर सुखी हो जाऊँ, एक साथ जोड़ के कहेंगे तो ये बात, लेकिन उसको और बारीकी से समझने जाएंगे खंड खंड करके, छोटा छोटा करके, सूक्ष्म सूक्ष्म करके, अलग अलग ढंग से उसको देख सकते हैं। जी भैया, मतलब मुझे इच्छा, मैं अभी वो जो सब डिजायर्स मेरी
अलाइंड नहीं होती हैं, उसको मैं शायद देख नहीं पाती, इस करके मुझे विचारों से ही लग रहा है इस तरह ना भैया जी, तो कोई जी। बात नहीं, अभी जितना दिख रहा है उससे काम जब शुरू करते हैं तो आगे का अगला स्तर देखने की और तैयारी बनता है। जी जी धन्यवाद भैया जी नमस्ते भैया नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते सभी को। भैया कल्पनाशीलता का जो ऑब्जर्वेशन है उसी संदर्भ में आप बोल सकते हैं कि प्रश्न है या शेयरिंग है। कल मैं एक मतलब सत्यनारायण स्वामी की पूजा में थी। मैं मतलब पूजा जब चल रही थी बस मैं सीधे बैठ के मंत्रो चार मतलब आंखें बंद करके मंत्रो चार पर बस फोकस मतलब बस सुन रही थी और कुछ नहीं कर रही थी बस। और इस प्रक्रिया के दौरान मेरे मतलब मुझसे मेरी आंखों से अश्रु धारा मतलब बहने लगी और ये लगातार मतलब चल रहा था। और ये जो है ऐसा पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब 7 8 9 महीने से ऐसा होना शुरू हुआ है, 5 6 महीनों से बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे मेरे साथ और बढ़ता ही चला जा रहा है। चाहे मैं मेडिटेशन करना चाहूँ, गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करूँ, कल मंत्रोच्चार में पहली बार ऐसा हुआ, खो क्या रहा है भैया मुझे ये तो नहीं पता कि मैं किस प्रक्रिया से गुजर रही हूँ, लेकिन इतना अनुभव कर पाती हूँ कि इस प्रक्रिया के दौरान भी और उसके बाद भी मेरा चित्त जो है वो शांत बना रहता है, बट समझ नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। प्लीज भैया कुछ आप बता सकते। जी दीदी, मैं अभी इसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि दीदी हम जब रूटीन में अपनी लाइफ जी रहे हैं, जब भी कुछ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस समय हम थोड़ा होश पूर्वक देखने का प्रयास करें कि हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, और जब स्थिर होकर बैठ रहे हैं तब भी देखने का प्रयास करें कि हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। फिर जी धीरे धीरे भैया उस क्षण भी हम ध्यान दे पाएंगे जब हमारी आंखों से इस तरह का आंसू निकल रहा है, हमारी कल्पनाशीलता में ऐसा क्या चला जिससे कि ये प्रक्रिया मेरे भीतर शुरू हुई। भैया तो ध्यान ऐसे दे, इसीलिए दैनिक कार्यकलाप के टाइम में नहीं होता जब मैं मेडिटेशन। मैंने इसीलिए मैंने तीनों स्टेप कहा दीदी, ये बात तो मेरे से स्पष्ट था कि क्या है, जब दैनिक कुछ सब जिस समय आप इन्वॉल्व है बाहर की चीजों में, उस समय भी जब आप कल्पनाशीलता को ठीक से देखना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे जब आप बहुत बैठ करके स्थिर होकर के कल्पनाशीलता देख रही होंगी और आपके शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण ये आंसू आ रहा है, उस समय आपका कल्पनाशीलता देखने से ध्यान हट जाता होगा, इसलिए बहुत पता नहीं चलता है कि भीतर क्या हुआ कि बाहर ये सब हो रहा है। तो उस योग्यता को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बढ़ाने का उपाय ये है कि थोड़ा बहुत जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उस समय भी अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे कल्पनाशीलता को और बारीकी से देख पाने का होश बढ़ेगा। फिर उसके साथ जब आप स्थिर होकर बैठ कर देख रही हैं और उस समय आपकी बॉडी में जो चेंजेस आप महसूस कर रही हैं, आप उसका रिलेशन देख पाएंगे कि भीतर कल्पनाशीलता में ऐसे क्या विषय चलने झलक जा रहे हैं कि शरीर में ये चेंज हो रहा है, इतना अभी जी सजेस्ट कर पाऊंगा। भैया मैं आप जो बोल रहे भैया मैं वो करती हूँ, और मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि जब मैं अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है जब मैं अलाइन कर पाती हूँ अपने आप को तो वो आंसू आंसू निकलने शुरू होते हैं, मुझे कुछ ऐसा लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ। अभी तो कहूंगा थोड़ा और उसको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि अलाइन करने का क्या प्रक्रिया आप भीतर कर रही है, तो क्या आप संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को देख रही हैं ना, उससे आप जी भाई उस पर आधारित कल्पनाशीलता चला रही हैं उससे ये हो रहा है, और जब आप विरोध अव्यवस्था और संघर्ष का कल्पनाशीलता चला रही हैं तब नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है ना, ये सबको थोड़ा और बारीकी से ऑब्जर्व करिए। मैं समझ हूँ, काम तो खुद पर ही करना है। धन्यवाद भाई, थैंक जी ठीक है दीदी, यू, नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया एक्चुअली मैंने कल ये अभ्यास किया था कि मैं थोड़ा 8 10 बार मैंने ये अभ्यास करने की कोशिश करी कि मैं कल्पनाशीलता को देख पाऊँ बैठ के अपनी, या एक्टिविटी में भी मैंने आपने जो कहा था वो करने की कोशिश की थी। तो मैंने देखा कि जब भी मैं बस बैठ के कल्पनाशीलता को देखना चाहती हूँ उसी समय मुझे सिर्फ आसपास की आवाजें जैसे फैन चल रहा है
या बाहर से कोई आवाजें आ रही है, पर मैं मुझे कोई कोई दिख नहीं रहा था, कुछ भी विचार या कुछ ऐसा। सिर्फ मुझे आसपास की म्यूजिक या कोई आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसे गाड़ियों की या फैन की या कोई कोई भी शोध हो रहा है तो बाहर का। तो मुझे जी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा था। मैं जैसे एक्टिविटी के टाइम पे मैं जैसे ही कल्पनाशीलता को देखने जाती हूँ तो वो फिर स्टॉप हो जी जाती है, विचार चलना ही बंद हो ऐसे जाते में हैं। जी ऐसे में दीदी आप अपने भीतर ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक निर्णय ये बना रहता है कि बाहर जो गतिविधि हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसकी जगह अगर आप अपने भीतर ये निर्णय बना पाए कि बाहर जो भी गतिविधि हो रहा है, जो भी आवाजें आ रही है, वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगले आधा घंटा मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो मेरे भीतर जो चल रहा है वो महत्वपूर्ण है, बाहर की महत्वपूर्ण चीजों को आधे घंटे बाद हम ध्यान। ये निष्कर्ष आप अपने भीतर जैसे ही बनाते हैं, तो आप जितना ध्यान बाहर के हो रहे हलचल पे अटेंशन जितना पे कर रहे हो, उससे वो थोड़ा कम होता है धीरे धीरे और बाइस हो जाता है, तो फिर अपने भीतर बहुत सारी चीजें जो चल रही होती है हमारा उस पर ध्यान जाता है और हम उसको देख पाते हैं। अगर फिर भी उससे आपको लगता है और कठिनाई हो रही है, थोड़ा और स्थूल का सहारा लेना है, तो कोई भी एक साउंड जो आप सुन रही हैं आप उसी पर ध्यान दे दीजिए थोड़ी देर, आप दूसरे और चीजों पर ध्यान नहीं देंगे ऐसा तय कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि उस पर ध्यान दिए दिए ही आप अपने भीतर की कल्पनाशीलता पे शिफ्ट हो जाती हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कल्पनाशीलता अपने भीतर चल रही है वो दिखने लगता है, फिर थोड़ी ही देर में उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी और चीजें भी चल रही हैं जो साउंड से जुड़ी हुई नहीं भी हैं, बहुत पहले की हैं, बाद की, वो भी दिखने लगता है। इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों में से जो भी मेथड से आप कर पाए कोशिश करिए, और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो अगले दिन फिर से बताइएगा, कुछ और विधि भी आपको बताएंगे जिससे आप इस लूप को ब्रेक कर सकें। जी भैया मैंने ये 8-10 बार कोशिश करी तो मतलब काफी टाइम मैंने ट्राई किया कि मैं देख पाऊँ, मगर मैं जैसे ही अपने विचार को देखने की कोशिश करती हूँ तो वो चलना ही बंद हो जाते हैं और मुझे सिर्फ कमरे में फैन की आवाज सुनाई देती है। तो आप तो थोड़ा थोड़ी देर फैन की आवाज पे ही फोकस करिए, अच्छा, और फिर जैसे मैं क्लियर फैन हो ही की रहा आवाज है सुन कि सर जब भैया जब मैं फैन की आवाज पे फोकस करती हूँ तो फिर मेरे विचार कुछ 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 आने लग जाते हैं, फिर मैं नहीं, विचारों तो पे अब फोकस कर रही उस दूसरे। क्षण उस हाँ उस क्षण अब आप धीरे धीरे विचार को महत्वपूर्ण स्वीकार ले लेंगे अगर, तो फैन की आवाज धीरे धीरे सुनाई देना अपने आप बंद हो जाती है और भीतर की जो विचार हैं उसके वो दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा ओके भैया, ठीक है भैया, मैं फिर से आज ट्राई करूंगी जी ये। जी और थैंक ये सोच के नहीं ट्राई करिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप देखने जा रहे हैं, जैसे बाहर की क्रियाएं हैं वैसे भीतर की क्रियाएं हैं, बाहर की क्रियाओं को देखने के लिए आंख नाक कान इस तरह के सेंसरी ऑर्गन की जरूरत है, भीतर भी कुछ चल रहा है इसके लिए कोई बहुत सेंसरी ऑर्गन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत विशेष चीज जब हम ढूंढने लग जाते हैं तो एक डेडलॉक में फंस जाते हैं, उस समय अंदर ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है, लगता है कुछ चल ही नहीं रहा है ना, तो कोई हम विशेष क्रिया नहीं कर रहे हैं, जो सामान्य क्रियाएं अपने भीतर चल रही हैं उसी को देखना चाह रहे हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते जी हाँ भैया, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी कुछ सीखने को फिर से मिल रहा है। मेरा एक थोड़ा सा सुनते हुए अभी स्थिति और गति क्रिया जो सुन रहे थे तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, वो आपसे पूछना था। ऐसा लगा कि शायद ऐसा कह रहे हैं आपकी स्थिति जो क्रियाएं हैं वो लगातार रहती हैं और गति क्रियाएं सामयिक हैं, या ऐसा आपने कहा या मैंने समझने में कुछ गड़बड़ नहीं भैया, दोनों ही क्रियाएं हमारे भीतर चलती रहती हैं, है ना, तो देखेंगे तो बाहर जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं है ना, उसके बेस में एक टेस्ट है, तो दोनों साइक्लिक है, टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन, सिलेक्शन के आधार पर अगला टेस्ट, ये चलता रहता है। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद। सर नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते भानु जी। भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने पिछले सेशन में भी इस अभ्यास को करा, इस सेशन में भी अभ्यास को करा, थोड़ी देर तो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, एक विचार आया दूसरा विचार गया एक आया, थोड़ी देर ज्यादातर नहीं, बस यही कि 1 मिनट तक वो चलता है, पर उसके बाद मैं पीछे कहाँ चली जाती हूँ,
वहां पर जाके क्या देखती हूँ, बहुत अजीबोगरीब चीजें स्थिति देखती हूँ। तो वो क्या स्थिति है और वो क्यों है और कैसे वो आ जाती है? अभी तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आ जाती है उसको और होश पूर्वक देखा जाए, और ये भी देखा जाए कि वो किसी मान्यता से प्रेरित होके आ रही है या संवेदना से प्रेरित होके आ रही है या वो मेरी सहज स्वीकृति है। इस होश को बनाया जाए, उस समय लेकिन उसको उस होश को उसका ना मेरे खोया से जाए। कोई संबंध ही नहीं है। मैं यहाँ देखती हूँ कि उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, ना बाहरी क्रिया से है ना कुछ है, पर वो दिख रहा है कुछ अजीबो गरीब। वो क्या चीज है वो ये भी नहीं समझ आता। और फिर मैं फिर उसको क्यों देख पाती हूँ? वही तो क्यों देख पाती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने उसको महत्वपूर्ण माना है इसलिए देख पाती हूँ। कहीं ना कहीं किसी अपने अंदर किसी मान्यता से या किसी संवेदना से या किसी विशेष परिस्थिति से उसको जोड़ रखा है, लेकिन वो जुड़ाव भीतर मुझे दिखता नहीं, लेकिन वो एक्टिविटी दिखती है, वो चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि उसको थोड़ा और होश पूर्वक देखेंगे और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये मेरी किसी मान्यता से जुड़ी हुई है या संवेदना से जुड़ा हुआ है या सहज स्वीकृति से जुड़ा हुआ है ना, उसके देश में क्या है। सर वो पूर्व स्थिति भी हो सकती है। अभी बहुत जल्दी इस तरह के निष्कर्षों को ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो जो सामान्य है कि वो मान्यता है कि संवेदना है कि सहज स्वीकृति है, अभी उसको ही पहले ठीक से देख लें, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को भी भविष्य में हम ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से बात कर पाएंगे। और फिर वहां जाके फिर वो लंबे समय तक रहती है सर। वही तो इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि एक बार उसको भीतर और ठीक से देखने की कोशिश करें कि वो उसमें पीछे कोई मान्यता है या संवेदना है या आपकी सहज स्वीकृति है, क्या है उसके बैकग्राउंड में। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो इच्छा विचार जो आशा है, ठीक है, वो मैं देख पा रहा हूँ कि हर क्षण बदलता रहता है और उसके कारण मैं पूरे जो दिन में दिनचर्या करता हूँ तो मैं अपने आप को देख पाता हूँ कि वो तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। और जब भी वो सेंसेशन से तो जो संवेदना से होता है तो उसके मुजब मैं चयन करता हूँ, और जब प्री कंडीशंस होता है तो उसके मुजब मेरा व्यवहार उसके हिसाब से रहता है, और जब नेचुरल एक्सेप्टेंस से होता है तो उसके आधार पर भी रहता है। तो मतलब ये तीनों चीजों हर एक इवेंट में मैं मतलब उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से इस कंटेंट से जुड़ा हूँ। तो डिजायर थॉट्स एक्सपेक्टेशन जो है वो तीनों को मैं हर एक इवेंट में डिफरेंशिएट करके देख रहा हूँ। तो इतना मुझे ये पार्ट समझने में उस बहुत ही हेल्पफुल रहा है, तो उसको और बारीकाई से देखने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। बहुत अच्छा लगा ये बिल्कुल चीज को डेप्थ में समझते हुए, अच्छा लगा, शुक्रिया भैया। बहुत अच्छा भैया। उसमें मैं दो बातें और कहूंगा आपसे। एक तो अब ये भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि जब भी मान्यता और संवेदना से मेरी कल्पनाशीलता चल रही है तो मैं हार्मनी में हूँ कि डिसहार्मनी में। जब भी सहज स्वीकृति से मेरी कल्पनाशीलता चल रही है तब मैं हार्मनी में हूँ कि डिसहार्मनी में। जब ये ऑब्जर्वेशन में आने लग जाए तो अगला स्टेप चलें कि उसमें इमेजिन में क्या है, इसमें इसमें एनालाइजिंग और कंपेयरिंग का कौन सा पार्ट चल रहा है, इसमें सिलेक्शन टेस्टिंग के लेवल पे क्या चल रहा है, तो उसको और बारीकी से देखने की अपनी योग्यता विकसित हो, तो फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो B1 ब्लॉक में और अच्छे से गति कर पाएंगे। इतना और आपको सजेस्ट कर दिया। हाँ, भैया सही बताया, बिल्कुल सही बताया, शुक्रिया, मैं करूँगा। जी। तो अभी हम लोगों ने B2 ब्लॉक पे चर्चा किया पिछले 1-2 दिनों में, अब हम लोग B1 ब्लॉक पे भी बात करते हैं। तो अभी देखेंगे तो जो B2 ब्लॉक है जिसको कल्पनाशीलता का ब्लॉक कह रहे हैं, जो येलो कलर में दिख रहा है, चित्रण विश्लेषण चयन आस्वादन तुलन, ये क्रियाओं को अगर देखें तो कई बार इसमें संबंध पूर्वक जीने की कल्पनाशीलता चल रही है, कई बार विरोध पूर्वक जीने की भी कल्पनाशीलता चल रही होती है।
कई बार सम्मान के भाव से जीने की कल्पनाशीलता भी चल रही होती है, कई बार अपमान के भाव से जीने की कल्पनाशीलता भी चल रही होती है, कई बार स्नेह के भाव से जीने की कल्पनाशीलता भी चल रही है, किसी के साथ द्वेष के भाव से जीने की कल्पनाशीलता भी चल रही है। तो जो येलो ब्लॉक है, B2 ब्लॉक है, उसमें सम्मान भी चल रहा होता है, अपमान भी चल रहा होता है, स्नेह भी चल रहा होता है, द्वेष भी चल रहा होता है, संबंध भी चल रहा होता है, विरोध भी चल रहा होता है, इस तरह से कई सारी चीजें इसमें चल रहा होता है। अब मेरे भीतर ये प्रश्न खड़ा होता है कि मेरे को सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान सहज स्वीकार, संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार, स्नेह सहज स्वीकार है कि द्वेष सहज स्वीकार है, कि जो भी मैं भीतर कल्पनाशीलता में चला रहा हूं उसका जो मूल में भाव है, कौन सा वाला भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है, तो मैं उसके कुछ अपने भीतर से उत्तर पाता हूँ। जब भी इस प्रश्न को अपने लिए पूछता हूँ कि मुझे सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान, इसका एक उत्तर पाता हूँ। जब भी मैं पूछता हूँ स्नेह सहज स्वीकार है कि द्वेष, इसका मैं एक उत्तर पाता हूँ। कई बार ये उत्तर मैं दूसरे आदमी को ध्यान में रख के जब पूछता हूँ तो द्वेष और विरोध का भी आ जाता है कि ये आदमी के साथ क्या करें, है? तो ये जो उत्तर आ रहा है ये दूसरे आदमी के प्रभाव में आ रहा है, ये आपके स्वभाव से उत्तर नहीं आ रहा है। आप दूसरे आदमी को हटा दीजिए, है ना, और ये जो उसका दबाव प्रभाव आपके ऊपर है उसको भी हटा के नेचुरली आप क्या सोचते हैं, आपकी सहज स्वीकृति किस बात की है, संबंध की कि विरोध की, स्नेह की द्वेष की, सम्मान की अपमान की? तो इसमें एक निश्चित उत्तर आपको आता हुआ अपने भीतर हम सभी को मिलता है कि सम्मान मुझे सहज स्वीकार, स्नेह मुझे सहज स्वीकार, विश्वास मुझे सहज स्वीकार, संबंध मुझे सहज स्वीकार। ये जो कल्पनाशीलता में इतना कुछ चल रहा है उसमें भाव को देखना और फिर कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार है इसको देखना, और जितनी बार मैं देखता हूँ निश्चित उत्तर पाता हूँ, सम्मान, संबंध, विरोध, विश्वास, ये निश्चित उत्तर आते हैं। उस निश्चित उत्तर को अपने भीतर ना देख लेना, कल्पनाशीलता के देखते देखते भाव को देख लेना, फिर उसमें कौन सा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है हर बार, कौन सा वो निश्चितता के साथ सहज स्वीकार है जो बदलता नहीं है। हर बार आप पूछें कि मुझे सम्मान ही सहज स्वीकार है, कभी भी अपमान उत्तर नहीं आता। हर बार पूछे मुझे स्नेह सहज स्वीकार है कि द्वेष, तो स्नेह ही उत्तर आता है, द्वेष नहीं आता, ये उत्तर हर बार एक निश्चित आता है। तो जो निश्चित भाव है उसको जो अपने भीतर देखने का हम प्रयास कर रहे हैं, कल्पनाशीलता में इतने सारे भाव आ रहे हैं उसमें से कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार, वो चिंतन की क्रिया है। कि भले मैं चित्रण में विरोध चलाऊं, अपमान चलाऊं, स्नेह चलाऊं, संबंध चलाऊं, द्वेष चलाऊं, लेकिन फिर भी मुझे चिंतन में सम्मान, विश्वास, स्नेह ही सहज स्वीकार। तो इस कल्पनाशीलता में जो भाव, उनमें से कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार है, उसको अपने भीतर जो देखने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे जो निश्चित भाव को मैं देख पा रहा हूँ, वो चिंतन की क्रिया है। फिर मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोग हैं इस आसपास मेरे, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, मिट्टी पानी हवा है, सूरज चांद तारे हैं, आकाश गंगा है, ग्रह गोल है, इतनी सारी चीजें हैं, ये सबको मिला के हम प्रकृति कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, मिट्टी पानी हवा है, सूरज चांद तारे ग्रह गोल आकाश गंगा सब है, परमाणु से लेकर के आकाश गंगा तक पूरा सौर मंडल, ये सबको मिला के प्रकृति कह रहे हैं। तो मेरा ध्यान जाता है कि ये प्रकृति क्या है, सूरज चांद तारे ग्रह गोल, है ना, इनका ये सभी जो अलग अलग इकाइयां दिख रही हैं, ये अपने में व्यवस्था में है कि अव्यवस्थित है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी है कि जुड़ी हुई नहीं है, एक दूसरे की विरोधी है या एक दूसरे के साथ कुछ परस्पर पूरकता का संबंध है, इस तरह की बहुत सारी चीजों पर ध्यान जाता है। खासतौर पर तब जब मैं अपने आसपास से जी रहे लोगों के साथ जो विरोध का भाव है, द्वेष का भाव है, संघर्ष का भाव है ना, उनके साथ जो अपमान का भाव है, उस सबको जब थोड़ा सकल कर पाता हूँ अपनी कल्पनाशीलता, तो बहुत बड़ी वास्तविकता पर ध्यान जाता है कि इतने सारे लोग हैं, लोगों से अधिक पेड़ पौधे हैं, उससे अधिक मटेरियल है, हजारों ग्रह गोल हैं, सूरज चांद तारे आकाश गंगा, ये इतना बड़ा प्रकृति समूह है ना, इकाइयों का समूह है इतना बड़ा जिसको प्रकृति कह रहे हैं, ये क्या है,
इन इकाइयों का आपस में व्यवस्था कैसे है, और ये परस्परता में एक दूसरे के विरोध में है या इनका एक दूसरे के साथ कुछ पूरकता है, क्या है ये तो सब, इस पर जो ध्यान जाता है तो हम इतनी बड़ी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब इस पूरी बड़ी व्यवस्था को देखते हैं नेचर में, तो इसको हम चार भागों में देख पाते। एक मटेरियल ऑर्डर है जिसको पदार्थ अवस्था कह रहे हैं, जिसमें लोहा मिट्टी पानी ये सब आता है। फिर एक प्राण अवस्था है जिसमें पेड़ पौधे आ रहे हैं। फिर एक जीव अवस्था है जिसमें पशु पक्षी आ रहे हैं। फिर एक ज्ञान अवस्था है जिसमें हम आप मानव आ रहे हैं। तो दिखता है कि ये अनंत इकाइयां दिख रही हैं मेरे अपने आसपास इस पूरे प्रकृति समुच्चय में, लेकिन इनको चार भागों में बांट सकता हूँ, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। फिर मैं देखता हूँ कि पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, पेड़ और मिट्टी, पेड़ और पानी, ये दोनों परस्परता में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मिट्टी पेड़ के होने में पूरक है, पेड़ मिट्टी के लिए पूरक है, पेड़ और मिट्टी मिलकर के पशु के लिए पूरक है, पशु फिर वापस पेड़ और मिट्टी के लिए पूरक है। तो ये दिखता है कि ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता में दिख रही हैं, और उससे इतने बड़े बड़े जंगल सजते चले जा रहे हैं जिसमें आदमी तो कुछ कर नहीं रहा फिर भी सज रहे हैं। फिर ये भी दिखता है कि ये पेड़, ये पशु, ये पक्षी, ये मिट्टी, पानी, हवा, आदमी के होने के लिए भी परस्पर पूरकता के अर्थ में सजीव हुए हैं। पेड़ों से हमके हमारे होने में बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है, पर पेड़ पना पशु पक्षियों से भी, मिट्टी पानी हवा से भी। तो ये तीनों अवस्थाएं आदमी के लिए, मेरे लिए भी पूरक दिखाई देती। और मैं अपनी सहज स्वीकृति से पूछो कि मैं इन तीनों अवस्थाओं के परस्पर पूरक होकर जीना सहज रूप से स्वीकारता हूँ या विरोध में खड़े होकर जीना स्वीकारता हूँ। तो जब मैं प्रभाव दबाव से मुक्त होकर इस उत्तर को ढूंढने जाता हूँ, तो मिलता है कि ये सब भी मेरे लिए परस्पर पूरक है, मुझे भी इनके साथ परस्पर पूरक होकर ही जीना सहज स्वीकार है। तो ये परस्पर पूरकता का निर्वहन कैसे हो सकता है, ये सब पे मैं अपनी कल्पनाशीलता उसके बाद चलाता। तो ये चारों अवस्थाओं पर ध्यान जाना, संपूर्ण प्रकृति पे ध्यान जाना, और ये परस्पर पूरकता की विधि से सजी हुई है, एक व्यवस्था बनी हुई है, एक इकाई के होने की अपनी एक व्यवस्था है, ये सब पे जो ध्यान जा रहा है, ये जो काम अपने भीतर शुरू हुआ, ये बोध की क्रिया है जिसमें प्रकृति की व्यवस्था पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। एक बार जब इस पर थोड़ा काम शुरू हो जाता है, तो उससे बड़ी रियलिटी पे ध्यान जाता है। एक परमाणु को देखूं तो वो एक्टिव दिखाई दे रहा है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अपने चारों तरफ घूम रहा है और सेंटर के भी चारों तरफ घूम रहा है। पृथ्वी भी अपने सेंटर के चारों तरफ घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है। तो परमाणु भी क्रियाशील है, पृथ्वी भी क्रियाशील है। मैं अपने सेल्फ को देखूं तो मेरे सेल्फ में भी क्रिया चल रही है कल्पनाशीलता के रूप में, शरीर में भी क्रिया चल रही है, पेड़ पौधों में भी क्रिया चल रही है, पशु पक्षियों में भी क्रिया चल रही है, पूरी आकाश गंगा में क्रिया चल रही है, एक एक इकाई क्रियाशील है। एक तो इस पर ध्यान जाता है, दूसरा इस पर ध्यान जाता है कि क्या पूरे अस्तित्व में सिर्फ इकाइयां ही इकाइयां हैं या उसके अलावा भी कुछ वास्तविकता है, कोई और वास्तविकता है, उस पर ध्यान जाता है। तो किस बात पर ध्यान जाता है, तो जैसे अभी सुबह सुबह आप जहां भी हो वहां से सूरज की तरफ देखें, तो आपको दिखाई देता है कि आपके और सूरज के बीच में कुछ दूरी है। उस दूरी को ही आप स्पेस कह रहे हैं, शून्य कह रहे हैं, व्यापक कह रहे हैं, वो भी एक रियलिटी है। आप भी एक रियलिटी हैं, ये सूरज भी एक रियलिटी है, लेकिन आपके और सूरज के बीच में जो दूरी है, जिसको आप शून्य कह रहे हैं, व्यापक कह रहे हैं, स्पेस कह रहे हैं, वो भी एक रियलिटी है। लेकिन ये जो स्पेस है, सिर्फ आपके और सूरज के बीच में ही नहीं है, सूरज के चारों तरफ ही स्पेस है। आप अगर देखें, सिर्फ सूरज के ही चारों तरफ स्पेस नहीं है, आपके भी चारों तरफ स्पेस है। जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं, उस पृथ्वी के चारों तरफ भी स्पेस है। फिर और गहराई से देखता हूं तो हर जगह ये स्पेस है, ऑल प्रवेडिंग है, हर जगह स्पेस फैला हुआ है। उसमें कहीं पृथ्वी है, कहीं सूरज है, कहीं चंद्रमा है, कहीं अन्य ग्रह गोल है। तो ये दिखता है कि इकाइयों के अलावा भी एक और वास्तविकता है, जिसको स्पेस कह रहे हैं, शून्य कह रहे हैं, व्यापक कह रहे हैं, जो हर जगह फैला है, जिसका आकार, जिसमें जो अपने आप में असीमित है। इकाइयों का देखें तो इकाइयां सीमित आकार की,
तो स्पेस भी एक वास्तविकता है, इकाइयां भी वास्तविकता है। तब ये दिखता है कि हर इकाई स्पेस में रहते हुए ऊर्जित है, परमाणु भी स्पेस में रहते हुए ऊर्जित है, पृथ्वी भी स्पेस में रहते हुए ऊर्जित है, मेरा सेल्फ भी स्पेस में रहते हुए ऊर्जित है, पेड़ पौधे भी स्पेस में रहते हुए ऊर्जित है, सूरज चंद्रमा भी स्पेस में रहते हुए ऊर्जित है। फिर इतना ही नहीं दिखता है कि स्टेप और आगे बढ़ पाते हैं कि इस पृथ्वी को मैं और आप मिलके व्यवस्थित नहीं कर रहे, ये शून्य के अस्तित्व में रहते हुए, स्पेस के अस्तित्व में रहते हुए ऊर्जित भी है, अपने आप में व्यवस्थित भी है, परमाणु भी स्पेस के अस्तित्व में रहते हुए अपने आप में व्यवस्थित है, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी स्पेस के अस्तित्व में रहते हुए, स्पेस में अस्तित्व में रहते हुए स्वयं में व्यवस्थित है, और हर इकाई स्पेस में रहते हुए स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में ऊर्जित भी है, स्वयं में व्यवस्थित भी है, और परस्परता में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के साथ संबंध को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है, पृथ्वी सूरज के साथ संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संबंध को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। ये दिखता है इस तरह से, ये पूरा अस्तित्व सजा। तो एक एक करके अभी जहां मैं खड़ा हूं वहां से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये जो को एग्जिस्टेंस को देख रहा हूं, अस्तित्व में स्पेस और इकाई में जो को एग्जिस्टेंस है, उसमें रहते हुए ऊर्जित है, व्यवस्थित है, परस्परता में संबंध को पहचान रहे, निर्वाह कर, ये वो जगह है जिसको कह रहे अनुभव की क्रिया। तो एक बार धीरे धीरे मैं जब कल्पनाशीलता को वाले ब्लॉक को देखने के साथ साथ धीरे धीरे इन चीजों को देखना शुरू करता हूँ, धीरे धीरे चिंतन की क्रिया में एक्टिवेट होता हूँ, बोध की क्रिया में एक्टिवेट होता हूँ, अनुभव की क्रिया में एक्टिवेट होता हूँ। फिर एक बार ऊपर से नीचे की तरफ भी आता हूँ। वो कैसे आता हूँ? अब मुझे दिखता है कि सिर्फ इकाइयां ही हैं अस्तित्व में, ऐसा नहीं, इकाइयां भी हैं और स्पेस भी। अब मैं दोनों को साथ साथ देख रहा हूँ, संपूर्णता के साथ देख रहा हूँ, और इकाइयां स्पेस में रहते हुए ऊर्जित हैं, स्वयं में व्यवस्थित हैं, परस्परता में संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। ये इसको रियलाइज करते हुए फिर मुझे दिखता है कि सारी इकाइयां परस्पर एक दूसरे के साथ अंतर संबंध में जुड़ी ही हुई है, पृथ्वी सूरज चंद्रमा ये सब एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, ये चारों अवस्थाएं अपने में व्यवस्था को बनाए हुए परस्पर पूरकता का निर्वहन करते हुए ये संपूर्ण प्रकृति सजी हुई है, इसको कह रहे हैं बोध की क्रिया। फिर जो संपूर्ण प्रकृति परस्पर पूरकता में सजी हुई है उसमें मेरी कुछ निश्चित भागीदारी है, हर इकाई की इस बड़ी व्यवस्था में एक निश्चित भागीदारी है, मेरी भी निश्चित भागीदारी है। तो दूसरे मानवों के साथ विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य श्रद्धा गौरव कृतज्ञता प्रेम जैसे भावों के साथ जीने की एक निश्चित भागीदारी है, मटेरियल के साथ परस्पर पूरकता का निर्वहन करने, संवर्धन संरक्षण पोषण करने का उनका मेरा कुछ भागीदारी है। तो ये जो निश्चित भागीदारी है इस बड़ी व्यवस्था में, अब मैं उसको पूरे को पहचानने का, पूरे को समझने का काम शुरू करता हूँ, इसी को कहा चिंतन क्रिया। अब ये जो पूरे संपूर्ण अस्तित्व में व्यवस्था स्पष्ट हुआ उसमें मेरी निश्चित भागीदारी पर ध्यान गया, अब मैं उस निश्चित भागीदारी का ही चित्रण कर रहा हूँ, उसी को पूरा करने के लिए तुलन विश्लेषण कर रहा हूँ, उसी के लिए चयन आस्वादन कर रहा हूँ, और वही बाहर अब व्यवहार कार्य और भागीदारी में व्यक्त कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं ये देखता हूँ उस प्रक्रिया में जो V1 ब्लॉक है मेरे भीतर एक्टिव होता जाता है और वो बेस में काम करता है, उसके आधार पर अभी जो कल्पनाशीलता में कभी विरोध आ रहा था, कभी द्वेष आ रहा था, कभी अपमान आ रहा था, अब मैं उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाता हूँ, उसमें हर बार सम्मान का ही भाव आता है, विश्वास का ही भाव आता है, स्नेह का ही भाव आता है, परस्पर पूरकता का ही भाव आता है, अर्थात अभी मेरा कल्पनाशीलता का ब्लॉक भी V1 वाले ब्लॉक से अलाइन हो जाता है, V1 के आधार पर V2 में भी एक तरह से व्यवस्था सजने लगती है, हार्मनी में आने लगता है, और फिर उसके आधार पर जो मैं बाहर व्यवहार कार्य और भागीदारी करता हूँ उसमें भी वो व्यवस्था रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से मेरा पूरा कॉन्सियसनेस है ना V1 ब्लॉक के बेस में V2 ब्लॉक का अलाइन हो जाना, अर्थात पूरे का हार्मनी में आ जाना, अर्थात अपनी सभी क्रियाओं में जागृत हो जाना,
उस दिशा में मैं बढ़ पाता हूं और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती। अब इसी में दो क्रियाएं और हैं, प्रमाण और संकल्प, उसको भी मैं थोड़ा एड्रेस कर देता हूँ, फिर एक एक करके प्रश्नों पर बात करेंगे। तो ये जो मुझे स्पेस और स्पेस में अनंत इकाइयां दिखी और ये रियलाइज हुआ कि इकाई स्पेस के सह अस्तित्व में है और तो सभी इकाइयां परस्पर पूरक हैं, ये उस अस्तित्व का ही एक रिफ्लेक्शन है और मैं उतनी बड़ी व्यवस्था में अपनी निश्चित भागीदारी को देख रहा हूँ, विश्वास सम्मान स्नेह ये सब भी उस अस्तित्व का ही रिफ्लेक्शन है। तो एक तरह से पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये मुझे एक तरह से स्पष्ट हुआ। तो अब मैं उसको आधार पर जो भी निर्णय लेता हूँ, सहअस्तित्व के अर्थ में ही जीने का निर्णय लेता हूँ, इसी को कहा ये जो सहअस्तित्व रियलाइज हुआ उसका प्रमाण क्रिया है। ये जो मैं पूरे प्रकृति में व्यवस्था का बोध हुआ, तो सारी इकाइयां अनंत इकाइयां चार अवस्थाओं में हैं पर ये परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उनमें परस्पर पूरकता का संदर्भ संबंध है, ये जो स्पष्ट हुआ, अब मैं हर निर्णय इस पूरे प्रकृति में परस्पर पूरकता के अर्थ में ही ले रहा हूं, इसी को कह रहे हैं संकल्प की क्रिया। तो इस तरह से मैं दसों क्रियाओं को अपने भीतर धीरे धीरे समझ पाता हूँ, उसके लिए प्रयासरत हो पाता हूँ और धीरे धीरे B1 ब्लॉक भी मेरा एक्टिवेट होता है और वो B2 ब्लॉक के लिए बेस की तरह काम करता है। तो मेरे पूरे सेल्फ में देखें तो ये जितना भी डिसहार्मनी, कंट्राडिक्शन, बेचैनी थी वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होती है। तो इतनी बात मुझे सेल्फ के बारे में इंट्रोडक्शन लेवल पे कहना था। तो इस पर जो भी अब आप लोगों के प्रश्न हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। भैया एक तो दो प्रश्न हैं, एक तो ये इसी से रिलेटेड है, जैसे अभी आपने बताया कि ये जो क्रियाएं हैं वो साइक्लिक हैं, मतलब साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किए हैं, मतलब गति क्रिया और स्थिति क्रिया में? पहला जी प्रश्न तो ये है। जी जी और कोई प्रश्न भी है? जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी मेरे को पहले हमें जो सुख लगता था, अभी वो मेरे को सुख जैसा, मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरे को सुख क्या है वो समझ नहीं आई है। मुझे ये मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन हो रही है कि जो सुख जिसको हम समझते थे वो एक्चुअल में किसी ना किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था जो ऑलरेडी है, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो, जैसे मेरे को सर्दियों में अगर सर्दियों के कपड़े पहनने हैं, जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड मैं डिसीजन ले रही थी जिसको मैं सुख समझ रही थी, या कुछ खाने पीने से रिलेटेड, वो या तो शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या भाव को, जो भाव मुझे सहज स्वीकार है उसको बनाए रखने के लिए, तो मैं उसके रिलेटेड वो डिसीजंस ले रही थी। तो सुख क्या है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये लग रहा है कि व्यवस्था को बनाए रखने को ही हम अपने मतलब भाषा में सुख बोल देते थे पहले, लेकिन जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, जैसे कि सपोज मैंने कोई पौधा लगाया, वो अच्छे से हो रहा है, उसकी मैंने देखभाल करी, या फिर मैंने कुछ नया सीखा, मैंने कोई स्किल मतलब कुछ भी नया सीखा, जैसे यहाँ पे मैंने कोई ज्ञान की बात सीखी या किसी और अपनी फील्ड में मैंने कुछ नया सीखा, तो उसमें मेरे को एक खुशी जैसी फीलिंग महसूस होती है, उसका व्यवस्था से क्या कनेक्शन है? जी, धीरे धीरे देखेंगे तो दो तीन तरह की बातें हैं जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं। एक तो कल्पनाशीलता में अपने सेल्फ में हारमोनी का होना, व्यवस्था का होना, दूसरा एक्साइटमेंट का होना, तीसरा कंट्राडिक्शन का होना। तो जब भी मेरे भीतर कंट्राडिक्शन की स्टेट होती है, मैं इसे सुख कहूँ कि दुख कह कर सकता हूँ। जब भी मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट की स्थिति बनती है, नई गाड़ी लेके आया, कुछ दिन एक्साइटमेंट की स्थिति रहती है, नए कपड़े लेके आया, एक्साइटमेंट की स्थिति रहती है,
किसी सभा में हूं, कोई ऐसी बात कही कि लोग ताली बजाने लग गए, तारीफ करने लग गए, एक्साइटमेंट की स्थिति होती है। कोई नई स्किल सीखी जो मुझे अब तक नहीं आती थी, है ना, तो एक्साइटमेंट की स्थिति होती है थोड़े दिन, क्योंकि ये थोड़े ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाती है। मेरे भीतर जो मुझे सहज स्वीकार है, वैसा मेरा भाव बना हुआ है, वैसा ही विचार चल रहा है, तो मेरे में एक हारमोनी की स्थिति है। अब आप ही को तय करना है कि तीनों में आप सुख किसे कह रहे हैं। यहाँ पर तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो हारमोनी है उसको सुख कह रहे हैं, एक्साइटमेंट को सुख नहीं कह रहे हैं, कंट्राडिक्शन को सुख नहीं कह रहे। तो एक तो आपको ही अपने लिए तय करना होगा कि आप सुख किसे कह रहे हैं। एक तो हम लोग जहाँ पर जिसको सुख कह रहे हैं वो हारमोनी को सुख कह रहे हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जब हम अपनी कल्पनाशीलता को, जो आपका पहला प्रश्न था उसके संदर्भ में अगर कहूँ, तो ये जब भी हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं, तो कभी ध्यान दीजिए कि आप में, है ना, जो भी चीजें आप खाने जा रहे हैं, तो आपके सामने टेबल पे चार चीजें रखी हुई हैं, तो किसी एक चीज को आप सेलेक्ट करके पहले खा रहे हैं, उसी को क्यों सेलेक्ट किया? तो आपको दिखाई देता है कि उसका कोई ना कोई आस्वादन, कोई ना कोई टेस्ट आपके भीतर था जिसने आपको प्रेरित किया उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो ये आस्वादन है आपके भीतर, आप इसे देख सकते हैं, फिर उससे प्रेरित होकर आपने बाहर कुछ अपने भीतर पहले सिलेक्शन किया, फिर उसको बॉडी को पास किया, फिर बॉडी से एग्जीक्यूट करके उस चीज को उठाया, है ना। तो ये जो सिलेक्शन किया आपने, फिर उसको बॉडी में जो भी उसको मुंह में चलाया, फिर उससे संवेदना हुई, उसको आपने फिर रीड किया, और फिर उस संवेदना को रीड किया, उससे फिर एक नया टेस्ट आपने बना, या तो पुराना ही रेनफोर्स हुआ या कोई नया आस्वादन आ गया। तो आप देखेंगे कि आप में टेस्ट की क्रिया भी बना हुआ है, सिलेक्शन की क्रिया भी चल रही है, और टेस्ट से जो टेस्टिंग की क्रिया है, जो आस्वादन की क्रिया आपके भीतर बनी हुई है, उसके आधार पर बाहर टेस्ट की क्रिया में बहुत सारा आप एक्टिविटी चला रहे हैं, और उनमें से किसी एक को बेस बनाकर आप बाहर शरीर से कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसको देखने जाएंगे तो देख पाएंगे कि ये दोनों ही क्रियाएं आपके भीतर काम कर रहे हैं। जी, इन दोनों प्रश्नों के संदर्भ में इतनी बात कहता हूँ। भैया, इसका मतलब ये है कि जो स्थिति क्रिया, जैसे आपने बताया कि जो हमारे अंदर पहले से रिकॉर्डेड है, तो वो काइंड ऑफ मेमोरी है, मतलब वो हमारे तो अंदर। मेमोरी में रसगुल्ले का कलर हो सकता है, रसगुल्ले का डिजाइन हो सकता है ना, उसका कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है, ये तो आस्वादन में है, सेल्फ में है। मेमोरी को देखने जाएंगे तो आप ब्रेन में जो हिस्सा है उसको कह रहे हैं, या कल्पनाशीलता में जो चीज स्टोर है उसको कह रहे हैं, वो आपको अपने में क्लियर होने की जरूरत है। अभी दोनों के अर्थ में मेमोरी शब्द का प्रयोग कर देते हैं कई बार, तो हाँ यहाँ पर जो जी, कल्पनाशीलता में है उसको स्मृति बोल रहे हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलर स्वाद मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे स्मृति में है, अर्थात आस्वादन में है, एक तरह से वो कह रहे हैं। ब्रेन में कुछ जी इंफॉर्मेशन को स्टोर रहती है ना, रसगुल्ले का कलर और जो उसका जो फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जो और सूचनाएं हैं, वो ब्रेन में थोड़ा रहती है। जी भैया, ये क्लियर हो गया। दूसरा, जो जैसे हम कुछ नया, नवीनता में जो एक्साइटमेंट है, वो नवीनता में जैसे कुछ नया सीखने में, या कुछ नया जो भी हमारे, हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सपोज हमने पेंटिंग बनाई है, कुछ भी नया चीज़ में एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट किस चीज़ को कह रहे हैं, मतलब वो क्या क्रिया है? जी, तो उसको अपने भीतर देखिए, है ना, कि जैसे क्रिकेट चल रहा है आजकल, सामने कोई बॉलर बैट्समैन को आउट करता है तो बहुत तेज तेज उछलता है, इसको हार्मनी कहें एक्साइटमेंट कहें, है ना, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कहें। ऐसे ही मैंने कोई पेंटिंग बनाया तो ये भी दिख सकता है कि मैंने कोई बहुत विशेष रचना तैयार कर दी, है ना, उसको देखकर मैं काफी एक्साइटेड हो सकता हूँ, और ये दिखा कि जो भी मैंने बनाया है वो एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी किसी न किसी ढंग से है, मैंने उसको एक तरह से इस पर अभिव्यक्त किया है। तो
दिखेगा कि ये जितना भाव मेरे भीतर है वो बना ही रहता है, कोई उसकी तारीफ करे तो भी, नहीं करता है तो भी। जब एक्साइटमेंट होता है तो हम बहुत सारा बाहर से लोगों का उस पर तरह से कनेक्शन जुड़ा रहता है कि इसको लोग देखेंगे, ऐसी बात करेंगे, ऐसा पेंटिंग पहले कभी बना नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग है ना, लाइक दैट। ठीक है, जी भैया, जी बस यही था कि मैंने अपने में यही ऑब्जर्व किया कि इसमें बाहर से कुछ तारीफ पाने का नहीं है, ये अपने अंदर ही कुछ सेटिस्फेक्शन टाइप का फीलिंग था। जी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए। भैया भैया, दो क्वेश्चन दिमाग में बन रहे थे। कल शाम को जब मैं एकांत में बैठा हुआ था तो एक जो बहुत पहले एक विचार आया था कि सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम व्यवस्था में है, तो सूर्य और पृथ्वी की जो पूरी दूरी है वो देखने का प्रयास मैं शाम को बैठे बैठे अपने में कर रहा था कि उसके बीच में जीवन ढूंढ रहा था कि जीवन क्या है। तो एक तो इसमें जो अंतर निहित संबंध को थोड़ा सा क्लियर रेटी नहीं हो रही है कि वो अंतर्निहित संबंध क्या है जो जीवन का निर्माण कर रहा है पृथ्वी और सूर्य के आपसी सह संबंध से। एक तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर चाह रहा था। दूसरा, प्रत्येक सेल्फ इस पूरी व्यवस्था में अंतर्निहित एक दूसरे से कोरिलेटेड जहाँ महसूस होता है कि संबंधित है। तो जैसे एक मन में आ रहा था कि जैसे भीड़ के अंदर हम देखते हैं कि एक 500 लोगों की भीड़ है, उसमें से कोई एक सेल्फ जो अंदर से एक दूसरे को खींचता है, जबकि सब में समान वही है, लेकिन कोई एक सेल्फ है जो उसको अंदर से, या तो वो क्या कह दें उसको, वाइब्रेशन से खींचता है, या एक उसको नहीं समझ में आता कि सभी सेल्फों के साथ समान संबंध होते हुए भी पर्टिकुलर एक के लिए जो खिंचाव है वो किस कारण से हमारे बीच में, और जो अंतर्निहित संबंध स्वेता व्यवस्था में बना हुआ है उसको हम कैसे ज्यादा स्पष्ट देख पाए। ये दो क्वेश्चन थे भैया। जी, तो अभी तो बहुत सिंपल, उसका जो स्टेप कहेंगे तो ये कहेंगे कि भाई आप स्वयं अपने आप से जांच के देखिए कि आप सुखी होना चाहते हैं, नहीं सुखी होना चाहते। तो उत्तर आता है सुखी होना चाहते, सुखी होकर दूसरों को सुखी, दूसरों का सुख देखना चाहते हैं, दूसरों को सुखी करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। तो उत्तर आता है कि आप दूसरों का सुख ही चाहते हैं ना। तो जितने भी सेल्फ इस धरती पर हैं, आप सभी का सुख चाहते हैं या कुछ का चाहते हैं, कुछ का नहीं चाहते हैं? तो देखते हैं तो सभी का सुख चाहते हैं, है ना। तो इस रूप में दिखता है कि हम जितने भी सेल्फ हैं, हम सब में कुछ कॉमन है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, सुखी होकर दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। हम सभी समृद्ध होना चाहते हैं, समृद्ध होकर दूसरे के समृद्ध में सहयोगी होना चाहते हैं। हम सभी में सहज स्वीकृति कॉमन है। हम सभी में और भी बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं, जिसको आगे सम्मान के भाव में आपने पास्ट में चर्चा करके देखा होगा। तो ये दिखता है उस आधार पर कि हम सब एक जैसे हैं और हम सब उसमें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी ही हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे का सुख चाहते ही हैं, उसमें सहयोग करना चाहते ही हैं। इस रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, है ना। ये जड़ इकाइयों को भी देखें तो पेड़ है, पौधे, पशु पक्षी हैं, इन सबके साथ भी परस्पर पूरकता का निर्वहन तो कर ही रहे हैं। इस रूप में जड़ इकाइयों के साथ भी जुड़ाव है। ये सारी इकाइयां, चाहे जड़ हो या चैतन्य हो, ये परस्परता में एक दूसरे के साथ अंतर संबंध में है, और उस परस्पर पूरक संबंध को समझकर, मतलब मानव उसको समझता है तो अपने तरफ से निर्वहन कर पाता है, बाकी शेष इकाइयां तो उसका निर्वहन कर ही रही। इतनी बात है भैया। वे एक यूनिट दूसरे यूनिट को अपनी ओर जो चुंबकीय तत्व के, जैसे एक तत्व होता है उसके आधार पे खींचती है, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है कि वो क्या, वो ऐसा कुछ है क्या जो एक दूसरे को खींचने का जो सिस्टम है, जैसे लोहा जो है वो चुंबक को खींचता है, तो क्या सेल्फ में भी ऐसा कोई गुण विद्यमान है जो मतलब वो देखिए सजातीय बेटा, हर प्रवृत्ति को इकाई खींचते हैं? दूसरे इकाई के साथ, हर इकाई के साथ, इकाई दूसरे इकाई के साथ एक निश्चित व्यवस्था में आने तक जो एक निश्चित दूरी है ना,
उसको मेंटेन करता है। तो अगर आप देखें तो सूरज और पृथ्वी भी एक निश्चित दूरी पर व्यवस्था में है ना। तो एक इकाई का दूसरे इकाई के साथ एक निश्चित पहचानना निर्वाह करना है। तो लोहे और चुंबक का पहचानना निर्वाह करना है ना, लोहे और प्लास्टिक का भी पहचानना निर्वाह करना है। वो उसके आधार पर पहचान निर्वाह करना कर रहे हैं। ऐसे ही चैतन्य का दूसरे चैतन्य के साथ भी है। अगर दोनों ने एक दूसरे को ठीक ठीक समझ रखा है तो एक ढंग से पहचानना निर्वाह करना करते हैं। नहीं समझ रखा है तो किसी सेल्फ से मोह होता है, किसी सेल्फ से द्वेष होता है, किसी सेल्फ को इग्नोर करते हैं, उसके आधार पर पहचानना निर्वाह करना करते हैं। तो वो चैतन्य में भी चल रहा है, जड़ में भी चल रहा है भैया। ठीक भैया, थोड़ा सा बस ये जीवन वाला और देख रही थी कि पृथ्वी और सूर्य के अंतर्निहित ठीक से में बोले तो अभी तो पृथ्वी भी है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है और सेल्फ भी है। तो अभी जो है उसको पहले ठीक ठीक समझ लिया जाए, है ना, कि वो है, उसमें कल्पनाशीलता है, संवेदना मान्यता सहज स्वीकृति के आधार पर वो चल रहा है, उसमें दसों क्रियाएं हैं, तो सबको अपने भीतर ठीक ठीक देख लिया जाए, फिर इस तरह के प्रश्नों को ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ बात किया जा सके। धन्यवाद भैया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया। ये सेल्फ की जो 10 क्रियाएं हैं उन्हें समझने में हमारा सहयोग करने के लिए, तो सभी